गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। अभी देखो पूरा रूम मैसी पड़ा है। आज भी लैक्मे फैशन वीक है तो आज मैं कपड़े पहन रहा हूँ डिजाइनर समद चौहान के। आज यशी ने एक्चुअल में प्रॉपर रेडी हुई है 2 घंटे से, उसका मेकअप वेकअप प्रॉपर रेडी हुई है वो एकदम अच्छे तरीके से। बॉयज को तो आपको बताया ज्यादा मेकअप वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं तो फटाफट रेडी हो गया था क्योंकि क्या है शेड्यूल वेड्यूल करा सारा काम वगैरह। क्या है वहां तो वाईफाई की आदत होती है, यहाँ की वाईफाई और नेट बहुत स्लो हो जाते हैं, तो उस चक्कर में बहुत बहुत ज्यादा टाइम उसमें लग गया। फिलहाल हम लोग अभी निकल रहे हैं। कल का मेरा जो आउटफिट था जो कल मैंने पहना था वो मुझे वापस डिजाइनर स्टोर पे देना है, उसके बाद हम लोग फैशन वीक जाएंगे। पहले यशी शो अटेंड करने वाली है, उसके बाद मैं शो अटेंड करने वाला हूँ, उसके बाद लखन भाई के पास जाने का प्लान है। सो शाम को ढेर सारी मस्ती होने वाली है, फिलहाल अपना काम करते हैं। चेकआउट का टाइम हो गया, नीचे परमिशन लेके आएंगे, 15-20 मिनट्स और हम लोग को दे दो। 12 बज चुके ऑलरेडी क्योंकि पैकिंग वैकिंग कुछ भी नहीं हुई है। भानु तो अभी नहा नहीं गया, शूट कर रहा था सुबह से वो। लो भाई ये लोग भी हो चुके हैं रेडी, ये देखो इसने 2 घंटे में जो रेडी हुई है। प्रिंसेस हेयर आर्टिस्ट सब ने रेडी किया है, मस्त। और सूरज बेचारा मुझे देख के डर गया, मैं इसको इतने मेकअप में देखता नहीं हूँ ना कभी, इतना मेकअप तो मैं भी नहीं करती हूँ। हाँ। ऐसा मेकअप बहुत ओकेजनली होता है, लेकिन हाँ आज के पर उसके लिए परफेक्ट है, उसके लिए परफेक्ट है। सो वैसे तो हम मेकअप करते नहीं है लड़के लोग ज्यादा, लेकिन हल्का फुल्का टचअप यशी कर देती है जिससे बहुत अच्छा लगता है। अब फैशन शो में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो ठीक लगना जरूरी है ना, थोड़ा बहुत की पूरा ठीक लगना जरूरी है। सूरज का ऐसा मेकअप साल में 2 या 3 बार ही होता है बस। इस बार तो ज्यादा हो गया। कहाँ 2 या 3 बार, कल भी कहाँ करा था मैंने, कल तो बिना उसके अटेंड कराया था। कल तो लेट बहुत ज्यादा हो गए थे यार, कल तो बहुत दिक्कत हो गई। आज ऑन टाइम है गाइस, सब कुछ ऑन टाइम है। ओके टाइम हो चुका है चलने का। अच्छा मैंने गलत बोला था, मैं समद चौहान सुबह मुझे याद रह गया, समद चौहान के नहीं, मैंने पवन सचदेवा के आउटफिट्स पहने। समद चौहान का हम लोग 11 तारीख को अटेंड करने वाले थे जो कि मिस हो गया था मेरे इवेंट की वजह से। आज जाओ प्रिंसेस, तेरे लिए तो वैसे आज मर्सिडीज आनी चाहिए थी जिस हिसाब की लग रही है ना तू। मर्सिडीज भी आ जाएगी। इधर हटा। अच्छा लखन भैया से बात करी, वो बोले कि शाम को मैं तुम्हारे वहीं आसपास रहूंगा तो कॉल करना, तो देखते हैं कैसे क्या मिलते हैं हम लोग शाम। चलो बढ़िया चले। हाँ। मैं आपको एक बात मैं सच बताऊँ, मुझे क्या ऐसा लग रहा है जैसे या मैं तो किसी रिसेप्शन में जा रही हूँ या खुद की एंगेजमेंट में जा रही हूँ। यार इतना भयंकर मेकअप मैंने, मतलब ऐसा मेकअप नीतू दी की शादी में कराया था और अब भी करवाया है, ये शायद उससे भी ज्यादा है। देखो मेरा इतना भयंकर मैंने कभी नहीं कराया, बट हाँ ठीक है, एक्सपीरियंस लैक्मे फैशन वीक इट इज। तगड़ा आउटफिट है गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ जितना बुरा इसमें लग रहा है ना उतना बुरा नहीं है, क्योंकि तो बहुत ज्यादा लग रहा है। और सूरज यार, सूरज का आउटफिट कल से भी प्यारा है, बहुत प्यारा है इसका आउटफिट। ये देखो ये मैंने इसको ले लिया ताकि इससे दो काम होंगे, एक तो मैं धूप से बचूंगी, एक इसको गर्मी नहीं लगेगी। yes. अच्छा नवरात्रि स्टार्ट हो चुके हैं तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। ये 9 दिन आपके बहुत ही खुशियों भरे हो, ढेर सारी खुशियां आपके घर में, पैसे आए और ढेर सारी ब्लेसिंग मिले आपको माता रानी की। yes. सबको हैप्पी नवरात्रि गाइस, हैप्पी नवरात्रि। फेस्टिव सीजन चालू हो चुका है फुल ऑन। तो अभी का शो है यशी का, यशी अटेंड कर रही है, तो हम मैं और ये भानु गया शूट करने के लिए और हम दोनों बैठे हैं अभी फ्री, तो हमने सोचा हम अंदर जाके ना बैठने की जगह मेरे को जो आउटफिट मैंने कल पहना था मुझे स्टोर पे वापस देकर आना, तो वो देकर आ जाएंगे और वहां पर हम कुछ खा पी भी आएंगे। yes. क्योंकि लंच टाइम भी हो गया हमारा, ये लोग तो क्या अंदर खा लेंगे, और 4 बजे मेरा शो है उससे पहले मैं आ जाऊंगा। तो मेकुड़ी अब मैप चला दे और मुझे रास्ता बता दे। मैं बताऊँ मैप चला के रास्ता, और जितनी बार भाई गलत भाई मानू ने 3 बार घुमा दिया इधर उधर, कल रात को यशी ने इधर उधर घुमा दिया, अब मैं बची हूँ जरा, मेरे को तो पता रहता है मैं बुरी तरीके से। गाइस हमने 3-4 दिन तक लगातार एज़ा गाड़ी चलाई है, एज़ा ड्राइवर बोल रहे हैं। ये ड्राइवर हमने रखा था, उसकी मैं चीज बताऊंगा आपको आज, बताता हूँ यहाँ से फ्री हो जाए फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ उस चीज को, वो भी हमारा दिल पे लगी थी बहुत तेज, बताऊंगा। यहाँ पर आ तो गए, इतनी भीड़ इतना ट्रैफिक है, एक पार्किंग का वेट कर रहे हैं, तो मीकू बोली कि जितनी देर आप यहाँ खड़े रहोगे इतनी देर में तो मैं दे आऊंगी, बगल में ही स्टोर है। तो मीकू उतर के गई है नीचे, तो भाई ये देखी भी आ गई और गाड़ी यहाँ से 1 सेकंड भी नहीं लिया, हो गया दे ही ले, गाड़ी यहाँ से हिली भी नहीं। मैं भाई देख रही हूँ मैं कहाँ सोची आगे चले गए, तो देखी तो यही गाड़ी है, तो भगवान हमारा तो खाना पीना यहीं पर हो रहा है गाड़ी में, ये करके फिर हम जाएंगे वहाँ पर। आज तो टाइम है, कल गाड़ी में ऐसे ऐसे खाते खाते नहीं, रहने दो क्या होगा फिर ना आपका इवेंट छूट जाएगा। तो हमारा शो हो चुका है और अभी पेट पूजा हो रही है और हमें पाप लगा है क्योंकि व्रत करने वाले लोगों के सामने बैठ के हम लोग खा रहे हैं। मेरे को तो मजा आता है, मैं देखता हूँ ना कोई खाते हुए और मजा आता है। सेल्फ कंट्रोल, रील्स देखता हूँ फूड को, मेरा पूरा फीड ही चेंज। सिर्फ सूंघ के पेट भर रहे हो हैं, देख के बोलना नहीं चाहिए मुझे, बट वो सच में ऐसा होता है। तो लास्ट डे पे तो मैं इतनी देखता हूँ सब, पूरा दिन खाली रील भी खा लेंगे और मेरा अभी फीड भी चेंज हो रहा है। मैं कॉफी पी रहा हूँ क्योंकि मुझे दिन में आ रही है नींद। दोस्तों गाड़ी पार्क कर दिया, वो ढूंढ रहे हैं कहाँ पर है, पिलर की फोटो निकालनी चाहिए थी यहाँ पर, गिर रही है भाई बहुत लंबा है।
जैसे गिरे मुझे बता दी कैमरा ऑन कर लू। बहुत ही वो है ये, गिरा दूंगे कैमरा। नहीं ओए ओए ओए, ज्यादा गिराने वाली बन रही है इसको। इधर आ जा, इधर आ जा, गिरा दूंगी तेरे को। ये देखो पूरे रास्ते में आगे चलता कर रहा है। चलो भाई अभी हम लोग जाते हैं, आपको हितेश की शादी में जरूर बुलाएंगे। हितेश की शादी में ठीक है सर, आ जाऊंगा। ये खुद के मेकअप के वीडियोस देख रही है अभी कि कैसे हो रहा था मेकअप। अच्छा लगन भाई ऑलमोस्ट दो मिनट पे उन्होंने बोला कि तुम यहीं पे रुको, वो आसपास ही कहीं पे थे, काम कर रहे थे। बोले मैं वहीं पर आता हूँ, तुम रुक वहीं रुको। तो हम लोग बस यहाँ से निकल के आधे घंटे से बाहर ही खड़े हैं कि वो आ जाएं। ऐसे कौन मेकअप कर रहा है भाई, पेट वेट खराब है क्या? अरे नहीं, ये पैंट का वाला बटन नहीं, ऐसे मतलब ये क्यों खोल खोल क्यों बैठे गाड़ी में? अरे पैंट का बटन टाइट चला रहा है, तेरा चलान ऐसा कटेगा ना। ये ऐसे चलाते हैं क्या गाड़ी? कैसे ये नाड़ा वाड़ा खोल के भाई पैंट का बटन टाइट? तेरा तेरा पेट खराब है, तेरे को पटनी है। अरे हर बार एक टाइट लग रही होगी है ना, ऐसा ही है ना। हाँ वो यशी तो पहचान में ही नहीं आ रही। नहीं आऊंगी, मुंह पे कम से कम चार ले रहा है। हाय, तू तो आ रही पहचान। कैसे हो सब लोग? सब लोग बढ़िया। अब चलो घर जल्दी से, ठीक है? ओके हो गया ना सब? घर पे मैंने सबके लिए तोरई दाल और टिंडा भिंडी भाई, सब्जियों के नाम पता? लौकी, लौकी बनी जाती है ये सब बनवाया स्पेशल तुम्हारे लिए। एकदम फीका आ जा, थका हुआ है कोई सा? सारे सारे थके हुए, सो जाएगा सब। बैट तो नहीं बना, आज बना देता हूँ। बैठ के चलेंगे। अरे भाई की नई वाली मर्सिडीज, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बैट बनवा रहा हूँ। अरे भाई कौन लेट के जाएगा? बैठ के जाएंगे भाई, पक्का? हाँ चलो बैठ के चले जाएंगे भाई। बैट बैट मत बनाओ, नहीं 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 वाला फीचर पता चला है ना। हाँ वो हर जगह बैट बनवा के जाती है, बैठ जाएगी उसी पे, लेट जाएगी, उसका और कोई है ही नहीं। कार आप चला रहे हो? मैं आगे आ रहा हूँ। ओह माय गॉड, मैं खुद पहली बार इतना लंबा ड्राइव करूंगा इसको। ओह ये इसको पीछे रखो बहन, हमारी मर्क भाई। मुझे ऐसा लग रहा है ड्राइवर चाबी भी ले गया इसकी। ड्राइवर एक काम एक्स्ट्रा करता है यार। और देखा ले गया? हाँ। चाबी का है? दिख तो नहीं रही, तो गाड़ी चालू है ना? नहीं चालू तो रहती है। अच्छा अच्छा अच्छा, चालू तो रहती है भाई, आगे नहीं बढ़ती, फिर पता चलता है। कैसा रहा भाई? बहुत शानदार। बताओ इसका नाम चेंज करना चाहिए। किसका? इसका, फैशन वीक का। क्या करना चाहिए? फैशन स्ट्रॉन्ग, सारे स्ट्रॉन्ग फैशन वाले आते हैं भाई यहाँ। नहीं भाई मैं सोच रहा था लखन भाई घर जाऊंगा, खुद लेने आ गए, मतलब बताओ। और राइड मिल जाएगी दो घंटे की, लेने आया हूँ। मेरी आज तो वही रुकेगा। नहीं भाई जाऊंगा। क्यों रात में क्या कर रहा है? हाँ बता, चल क्या रात में? शर्म कर ले, भगवान से तो डर। चलो चलो लेट्स गो, लेट्स गो भाई। बड़े दिनों बाद यहाँ अपने घर अपने मकान। भाई कितने टाइम बाद आए हम लोग, एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए, छोटे वाले से, टेडी से, बहुत ज्यादा टेडी से मिलने के लिए। मैं एक चीज बता रहा हूँ, ब्लॉग में बता रहा हूँ, कोई सीन अब तक ये नहीं बोला, नीतू से मिलने के लिए एक्साइटेड हूँ। वो तो बोलने की जरूरत है, आ जाओ तुम, आ जाओ। मैं उनसे मार खाने के लिए करना है, मैं तो माइंड करूंगा। मैं मार खाने के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं तो माइंड करूंगा इन चीजों को। गबरू हाँ पहचाने का भाई, तुम तो तंदुरुस्त हो गए यार, कितने मोटे मोटे हो गए यार। कोई परेशानी नहीं, कोई मारता नहीं है ना यार। अब लोग 10 बार सोचते हैं कि कुछ पंगा करेंगे तो ये पीछे पड़ जाएंगे हमारे। मैं याद हूँ तुम्हें? नहीं याद हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ मैं। गुच्ची को मैं याद हूँ भाई, इस फोन से मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। किससे? ये iPhone 15 भाई, बिल्कुल वर्थलेस। हमारे यूपी वाले भैया कैसे भैया? बहुत गुच्ची 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 देखो, पहचान गया मुझे। अरे मेरा बच्चा, ये गुच्ची से मिलने के लिए एक्साइटेड है। हाँ बेतू, पापा के पास आ रहा है गुच्ची। और ये उससे इतना प्यार करता है। पूरा घर अलग सा लग रहा है, कहीं अलग आ गया। मैं भी देख रही हूँ, तुम्हें अपना रूम दिखाओ बाद में। और चीज देख, अरे वो गुड्डा ये भाई, ये तो टेडी बियर तो प्यारा है। कैसा लग रहा है? और ये भागता हुआ यार, ये दोनों जब सो रहे थे ना साथ में, वो स्नैप मैंने कम से कम 50 बार देखी, इतने क्यूट से लग रहे दोनों साथ में सोते हुए। छोटे वाले भतीजे से, छोटे वाले भतीजे से आज कैसा लग रहा है? भी आई है भाई, ये दोनों देख रहे थे कि ये बड़ा होके कैसा लगेगा गूगल पे। ये इतना बड़ा नहीं होगा।
अच्छा छोटे नहीं कुछ नहीं तक मैं प्यार करूंगा तेरे को। नहीं ये तो पुरानी है, इनको देखते मुझे पूल याद आ जाता है भाई। मैं गिराऊंगी एक दिन का बदला। हमारा सात जन्म तक पूल वाला बदला चलता रहेगा, हमारा बदला जन्मों जन्मों तक उठा के पटक देते ना आपकी शादी में। अब जो भी फंक्शन होगा ये पूल में जाएगा, आपकी शादी में इसको पूल में डालेंगे। वीर कहाँ जा रहा है शर्मा के, सेहत बन गई है तो बीवी के आने के बाद। अरे पेट ऐसा कर लेता फिर। भाई गलत फहमी थी, दो बार गिरा दिया ये, इसको लेके ओवरबोर्ड पे घूम रही थी, ओवरबोर्ड की बैटरी खत्म हो गई। भाई ये तो बहुत होता है। भाई दोस्तों गलत फहमी थी कि हम लखन भाई और नीतू दी से मिलने आए थे, हम टैडी और गुजी से मिलने आए थे। टैडी मेरे को चाट रहा है, पता काटने लगता है, इतना फ्रैंक हो गया मेरे साथ तो। भाई ये छोटा ही रहेगा बंदा, ये इतना ही रहेगा भैया। अच्छा छोटे छोटे जो जो गुड्डू गिड्डे से इतने बड़े नहीं, ये ये वो है मॉल्टीज और पुडल का मिक्स है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता। हमें दोनों ही नहीं पता क्या यार। भाई कसम से ये लग ही नहीं रहा डॉग, अगर ये हिले नहीं ना ये गुड्डा लग रहा है बिल्कुल। अरे कितना बड़ा होगा ये, परसों की बात है बैठा हुआ है, मैं सोफे पे था ठीक है, ऐसे बैठा हुआ है जगह पे काम कर, मैंने से उठा के ऐसे पीछे को रख दिया। मुझे कोई टॉय रखा है बच्ची। अरे यार आ गया, देखो कितना हल्का है तू, हाँ कितना हल्का, कितना होगा ये बड़ा, मतलब अपर अभी तो ना काफी बड़ा हो गया, हो गया आया था ना तो इतना सा था। अभी दोस्तों स्पेशल खाना है, स्पेशल खाना यही खिचड़ी गोभी। यशी को वो दिक्कत नहीं हो रही थी एसिड वाली, इसीलिए खिचड़ी बनवाई है मैंने, तो मेरे थोड़ी हो रही थी। तो तू भी वही का रोटी क्या बोलते हैं, बाजरे की रोटी। दोस्तों वैसे तो हम सिर्फ ड्रेस चेंज करने आए थे लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री में खाना भी डिनर भी हमारा यहाँ पे है, ये चार्जेस है तुम्हें ज्यादा टाइम रिसेप्शन पे करने पड़ेंगे। गाइस ये सोफे को बेड बना के दिखा रहे हैं अभी, भाई ये काम चला हुई चीजें हैं, बनता कैसे है किसी को याद नहीं। अच्छा अच्छा और भी खुलेगा, करो करो तीनों लगे रहो, come on तुम बना सकते हो कुछ तो। गाइस इस पे भानु सोएगा, अभी तो नया बनवाया तो तोड़ भी रहा है, लग जाएगी लगन भैया। भैया बेड पूरा सोफा खिसक गया, ये भी भूल गया, ये निकला, ये भी आगे होगा, ये होगा, ये निकाला किसने आप? लगन भैया क्या चल रहा है, शुरुआत से शुरू कर, देखा देखा ये हो रहा है ना, ये देख वो पहले ठीक से नहीं निकला। तो भाई सूरज मुझे अपना आज का एक्सपीरियंस बता रहा है, इसने फैशन वीक पे क्या क्या देखा। यार ये बहुत गंदा यार ये बंदा यार, बस एक चीज देखती है, एक इंसान था जरा सिर्फ ऊपर का पहन गया था नीचे का नहीं पहन गया, उसका एंट्री कैसे क्या हो रही है पता नहीं यार, मैं तो जाके बोल रहा हूँ नरे यार भाई ये तो पहनना भूल गया, पिक्चर अलग हो गया। एक कैसा था स्वेटर पहना था, वो स्वेटर यही तक था, पीछे स्वेटर फाड़ रखा था। अबे कैसा फैशन है भाई, किस तरफ जा रही है हमारी दुनिया। तो होते हैं ऐसे, और कुछ मैंने देखा कोई टीवी का रिमोट बन के आता है, वैसे भी नहीं, वैसे नहीं था वहाँ पे, नहीं वैसे फैंसी ड्रेस नहीं था, फैंसी ड्रेस नहीं था, फैंसी ड्रेस वाला नहीं था फैशन शो। नहीं ब्रो मैंने बहुत सारे वायरल वीडियो देखे हैं इसमें, वो होता है वो भी आएगा जल्दी आएगा, वो मेट गाला होता है, मेट गाला वो बड़ा अतरंगी होता है। ये दोस्तों मस्त चीज बनाई है उन्होंने यार, टेढ़ा मेढ़े कैसे भी सो इस पे भाई, सोना तो एक ही डायरेक्शन में पड़ेगा, ये रख दो यार बहुत सही है। इसका ये इसे पानी मिला है नहीं लगा तो इसको सादा दूध नहीं देना, सादा दूध आधा पानी। अरे टेडी ने ना हमारे लिए एक चादर वो एक कंबल नहीं छोड़ा है ओढ़ने के लिए। अरे ऊपर क्या है वो, वो तो कपड़े हैं यार, वो ड्रेस है तो आपकी दुबई वाली, चल चल दुबई शूट करा था ऐसी कोई ड्रेस में, कैसे मुफलिसी में जीना पड़ रहा है, बेडशीट दे रही है देखो, बेडशीट ओढ़ के सोना है आज, आप जाके सो क्यों नहीं रही हो। ऐसा होता है ना घर आए मेहमान को तो वो दिया जाता है और खुद बेडशीट ओढ़ के सोई जाती है, लेकिन हम ऐसे बिल्कुल नहीं,
भाई हमें मान ही नहीं है हम। अब तो बेड शीट ही देंगे इनके लिए। नया एक्सपीरियंस लो तुम। दूध गिर जाएगा पीले। अरे दूध नहीं है, ये आधा दूध आधा पानी है। आधा आधा कप दूध का आधा पानी। हां जाओ, एक बार बोल के चली गई हो। चार बार। और लाइट का ध्यान रखना, तुम बहुत बिजली का बिल जब भी आता है ऐसे वेस्ट करवाते जाते हो। पिछले लाख रुपए बिल आया था हमारा भाई। इन्होंने पानी सही से मिलाया नहीं है। तेरे भी बोर्नविटा कर दिया है? हाँ, मैं वही सोच रहा था। बोर्नविटा वाला दूध पी जा रहे हो? अच्छा भाई, अच्छा पी जा। अच्छा है बोर्नविटा वाला दूध। हाँ भाई, मैं डेली पीता हूँ। शाबाश। बोर्नविटा नहीं पीता? नहीं, मैं तो नॉर्मली पी लेता हूँ भाई। मुझे तो कोई जैसा जो पकड़ा जाता है ना वो खा भी नहीं सकती। मेरे को बताया पी के कैसा टेस्ट है? ये सिर्फ चीनी भी डाल दी होगी। अब यार डालिए तो क्या हो गया? पीना यार अपने भाई के लिए। तू एक क्योंकि चीनी नहीं पीता कि दूध में? हाँ नहीं पीता यार, वैसे तो शेक वेक सब पी जाता है। बहुत मीठा है बचपन वाला। अरे पीना यार, मैं भी पीता हूँ डेली यार। दोस्तों आप सोच रहे हो मैं अंधेरे में ब्लॉग क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का प्लान ये था कि भाई से मिलके जयपुर निकल जाएंगे, लेकिन भाई से बातें करते रहे। उसके बाद हमने बोला कि हम जाते हैं। भाई ने लगाई डांट, लाइट वाइट सब बंद कर गए और यहाँ पटक गए मुझे। बाकी सबको अपने अपने रूम में पटक दिया और चले गए कि अभी कोई नहीं जाएगा। एक्चुअली क्या, यशी को कल काम करना था, इसलिए हम सोच रहे थे कि आज ही निकल जाएंगे, सुबह उठते काम पर लग जाएंगे। लेकिन भाई के आगे कोई बोल सकता है क्या? तो फिर सोते हैं, अभी सुबह मिलते हैं।